पर गर्मियों में स्पेशली बरसातों में भुट्टा जरूर खाता है। आई थिंक ये सभी को अच्छा लगता होगा। और अगर जब भुट्टा मिल जाए मसालेदार तो बात ही क्या है। आप सबने भुना हुआ भुट्टा तो बहुत बार खाया होगा, क्या कभी मसाला भुट्टा खाया है? चटपटा स्पाइसी मसाला भुट्टा तो बहुत ही लाजवाब लगता है। आज मैं बनाऊंगी स्पाइसी भुट्टा कुछ अलग तरीके से। हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो गाइस, बरसातों का सीजन हो और भुट्टों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बारिश में भीगते हुए भुने भुट्टे तो बहुत खाए होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो डिफरेंट फ्लेवर के कॉर्न की रेसिपी, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए देर न करते हुए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कॉर्न को मैंने पानी में डालकर कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक बॉईल करने रख दिया था। देखिए कॉर्न कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। क्योंकि मैं बना रही हूँ दो रेसिपी तो इसलिए मैंने एक कॉर्न को लेकर उसके पीसेस कर लिए हैं। अब आपको थोड़ी सी जोर आजमाइश के साथ इसके स्लाइसेस करने होंगे। अब हम लेंगे एक बोल और मैंने इसमें डाला है कटा हुआ धनिया, थोड़े से गार्लिक। अब इसमें मिलाएंगे कुछ सॉसेस, जैसे कि 1 से 2 चम्मच सोया सॉस, और बहुत स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें सेजवान सॉस डाली है, और इसके साथ ही मैंने मिलाई है 1 से 2 चम्मच मेयोनीज। और अब बारी आती है इसमें कुछ तड़का देने की, तो यहाँ पर मैं गरम गरम सरसों के ऑयल को मिला दिया है। अब इन सब को अच्छे से करेंगे मिक्स मिक्स और मिक्स। तो इसकी सीजनिंग तो रेडी हो गई है, देखिए कितनी चटपटी और स्पाइसी लग रही है। अब बात आती है बॉयल कॉर्न में कुछ मसाले ऐड करने की। तो कॉर्न में मैंने मिलाया है काला नमक, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला, और इस तरह से उछाल उछाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ का भी यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, लगता है आपके भी मुंह में पानी आ गया है। वेट वेट वेट, अभी एक काम बाकी है। तो हमने यहाँ पर लिया है एक पैन और उसमें डाला है थोड़ा सा बटर, और अब जो मसाला मिले हुए कॉर्न थे उसको हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब बटर में हम 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से फ्राई करेंगे कि जिससे इसमें थोड़ी क्रिस्पीनेस आ जाए। उलटते पलटते हुए हम इसे चारों तरफ से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह का भुट्टा ना आपने कभी खाया होगा और ना ही कभी बनाया होगा। एक बार इस तरह से बना के देखेंगे तो आप सारे भुट्टे खाने भूल जाएंगे, और जब भी भुट्टा खाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। तो कॉर्न तो रोस्ट हो चुके हैं, चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब गरम गरम कॉर्न को जो हमने सीजनिंग रेडी की थी उसमें ऐड कर देंगे। इसमें जो गार्लिक का और सारे मसालों का जो फ्लेवर आया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अब सारी सॉस को कॉर्न पर अच्छे से लपेट देंगे। इस मसालेदार कॉर्न के आगे तो सारे कॉर्न फेल हैं। एक बार खाने के बाद आपका मन इसे बार बार खाने को करेगा। एकदम चटपटा मसालेदार बटर गार्लिक वाला कॉर्न एकदम रेडी है। लो जी, खाओ पियो मजे करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जाते जाते लाइक के बटन पर कॉर्न मारना तो बनता है, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली में, दोस्तों यारों में इस रेसिपी को शेयर कर देना। और आप लोग इसे ट्राई तो जरूर करना, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। मसाला कॉर्न तो हमने आपको खिला दिया, अब खिलाते हैं हम आपको चीजी कॉर्न। महंगे महंगे मॉल में महंगा महंगा चीजी कॉर्न खाने से अच्छा है हम घर पर ही इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चीज खाना तो सभी को पसंद है, स्पेशली बच्चों को। तो आइए बनाते हैं जल्दी से चीजी कॉर्न की रेसिपी। इसके लिए बॉयल किए हुए भुट्टे में से उसके दाने अलग कर लेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा एक नॉनस्टिक पैन, और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें मिलाया है चाट मसाला। अब इसमें भुट्टे के दानों को मिला दिया है। इन्हें 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे।
बटर से जो कॉर्न में फ्लेवर आता है बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हमने मिलाया है काली मिर्च। और फिर बारी आती है सबके फेवरेट चीज की। मैंने क्यूब वाले चीज का यूज किया है, आप चाहे तो मोजरेला चीज भी ले सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको नॉनस्टिक पैन का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम के पैन का यूज करेंगे तो आपका चीज उस पर चिपक भी सकता है। चीज के मेल्ट होते ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे महंगे महंगे मॉल का फील देने के लिए मैंने इसे सर्व किया है प्लास्टिक के कप में, जिससे आपके बच्चे जब इसे खाएं तो उन्हें लगे कि ये मॉल से आया है। आपको मेरी ये कॉर्न की दोनों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।